हर साल काफी फिल्में रिलीज होती है जिनमें कुछ फिल्में हिट होती है तो कुछ फिल्में फ्लॉप भी रहती है। 2019 में काफी फिल्में रिलीज होने वाली जिनमें से हम बात कर रहे हैं कुछ पीरियड ड्रामा फिल्मों के बारे में। नंबर वन, सबसे पहले बात करें रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में, तो ये फिल्म 25 दिसंबर 2019 को रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन आयान मुखर्जी कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। नंबर टू, दूसरे नंबर पर बात करें अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत के बारे में, तो ये फिल्म 6 दिसंबर 2019 को रिलीज हो सकती है। इस फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ संजय दत्त, कृति सनोन और मोहसिन बहल मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। अर्जुन कपूर की ये फिल्म एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जिसमें पानीपत युद्ध के बारे में कुछ दिखाया जाएगा। नंबर थ्री, बात करें अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की, तो ये फिल्म भी एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन ओम राउत कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म में अजय देवगन के साथ काजोल, प्रभास और राणा दबंगती मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। अजय देवगन की ये फिल्म 22 नवंबर 2019 को रिलीज होगी। नंबर फोर, चौथे नंबर पर बात करें फिल्म कलंक के बाद, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर। करण जौहर की ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है जिसका निर्देशन अभिषेक वर्मा कर रहे हैं। इस फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और कृति सनोन मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। ये फिल्म भी एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जो इसी साल रिलीज होगी। इस फिल्म को बनाने के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नंबर फाइव, पांचवे नंबर पर बात करें अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के बारे में, तो ये फिल्म 21 मार्च 2019 को रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है, जबकि इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं और ये फिल्म भी एक रियल स्टोरी पर बनी वॉर ड्रामा फिल्म होगी। तो 2019 में रिलीज होने वाली ये 5 पीरियड ड्रामा फिल्में थी। आपको इनके बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इस घंटे के आइकन को दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं।